हाँ जी स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट की सी कि ड्यूरिंग द 11th फाइव ईयर प्लान सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने की किया है कि सर्व शिक्षा अभियान एक मीन्स की मुहिम चलाई सी। ठीक है, 11th फाइव ईयर प्लान के दौरान तो ये की किया गया कि 6 to 14 साल के बच्चों के लिए जिहड़ी एलीमेंट्री एजुकेशन हैगी है वो कंपलसरी कर दी गई। ठीक है, तो स्कूलों के एनरोलमेंट वधाने के लिए की किया गया कि ज़्यादा तो ज़्यादा मीनस कि बच्चों नू फैसिलिटीज़ दी गई लाइक मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील की हुंदा वा कि तुहानू सारयां नू पता ही है कि दोपहर नू स्कूल दे विच जिहड़ा लंच है तुहानू मिलदा वा, उहदे नाल की होया एक तो एनरोलमेंट वधदी है। ठीक है, कई पेरेंट्स जिहड़े मना कर दिंदे ने कि नहीं असीं स्कूल बच्चों नू फीस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, ते ओ जा फिर साढ़े को इन्ना टाइम नहीं हैगा कि असी दोपहर दे लई बच्चों नू खाना प्रोवाइड कर सकीए अच्छा न्यूट्रिशनल, है ना। तो ये चीज़ों ध्यान दे विच रखदे होए गवर्नमेंट ने की किया है, एक तो देखो फ्री तुहानू वर्दियां दित्तियां जांदियां, किताबां दित्तियां जांदियां, मिड डे मील दिता जांदा वा, है ना, तां कि एनरोलमेंट वधे प्लस न्यूट्रिशनल फूड भी बच्चों नू मिले ते नाल नाल बच्चों की ग्रोथ भी हुंदी रहे। ठीक है, ये सारिया चीज़ा क्यों कीतियां गईयां, एजुकेशन नू वधाने दे लई, लिटरेसी रेट कंट्री च वधाने दे लई, क्योंकि एज अ ह्यूमन रिसोर्स अगर असी चाहते हाँ कि साडा जिहड़ा इकोनमी ग्रो करे उहदे लई बेसिक की है कि जिहड़ा उत्थे दी पॉपुलेशन आ वह किन्नी वैल एजुकेटड है, किन्नी एफिशिएंट है। ठीक है, तो इफिशिएंसी लिटरेसी वधाने दे लई कंट्री दे विच गवर्नमेंट अलग अलग तरह के स्टैप्स लै रही है। हुण देखो इत्थे डेटा दिता गया वा लिटरेसी रेट इन इंडिया 1951 to 2012 तक का। ठीक है, तो ये की है कि तुसी देख सकते हो आ उपर वाई एक्सिस है जिथे 0 to 10 to 80 तक लिखा हुआ, नीचे वाला जो पोर्शन होंगे एक्स एक्सिस हों वा ये ईयरस लिखे हुए हैं। ठीक है, सेंसिस के तो अगर तुसी ध्यान नाल देखो ब्लू जड़ा हैगी है बार, इनू आप बारग्राफ बोलते हैं, ब्लू बार जी हैगी ओवरऑल परसनस नू शो करती है वैदर इनकलूडिंग मेल एंड फीमेल एज वैल, है ना। तो रेड कलर डिनोट्स मेल्स एंड ग्रीन कलर डिनोट्स फीमेल्स। ठीक है, सो इफ वी सी द डेटा ऑफ 1951 ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज इन इंडिया आई थिंक इट्स 18 to 19%, है ना। और मेल्स ये वॉच द रेड बारग्राफ, मेल्स वर नियर अबाउट 24 to 25% लिटरेट। ठीक है, एंड द ग्रीन वन शोज द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री एंड इट वॉज अबाउट 8 to 9% फीमेल्स वर ओनली ऑन लिटरेट। ठीक है, एजुकेटेड, बट जिदा जिदा टाइम बीतता जा रहा वा विद द पैसेज ऑफ टाइम लिटरेसी रेट इज़ यू नो गोइंग ऑन इन द कंट्री, लाइक लिटरेसी रेट जो बढ़ रहा है ना 1961 होर उपर चला गया 71 होर टिल 2011 द तक आँदे आँदे जी साड़ी ओवरऑल लिटरेसी रेट कंट्री 72% हो गई एंड ये सॉरी 65% हो गई। 72% मेल मीनस कि देखो लगते ने ठीक है सॉरी मेल्स जोड़े है वो लिटरेट ने ते 55 एंड अबव जिहड़ी सी रेशो वो आ गई सी फीमेल्स की। ठीक है, तो नाउ वी आर इन 2021 डेफिनेटली ये जड़ा ग्राफ आ होर भी उपर चला गया, लिटरेसी रेट होर भी बढ़ गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। हुण नैक्सट चलते हैं, इस तो इलावा गवर्नमेंट ने की किया नवोदय विद्यालय खुलवाए। ठीक है, डिस्ट्रिक्स दे विच नवोदय विद्यालय दे विच होस्टल दी फैसिलिटी हुंदी है। ठीक है, तो स्पैशली गर्ल्स दी एजुकेशन नू एम्पावर गर्ल्स नू एम्पावर करन दे लिए ये खोले गए सीगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एजुकेशन। ठीक है, क्यों आपां पढ़िया एजुकेशन बारे, क्योंकि अगर असी चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स साढ़े अच्छे होन तां उहदे लई पहलां सानू मीनस कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी पैनी है हर एक इंसान नू कंट्री दे नू। ठीक है, दैट ता ही जड़े लोग एजुकेट होणगे ते जड़ी क्वालिटी है लोगों की वो इंप्रूव होएगी, इफिशियंसी इंप्रूव होएगी। सो नैक्सट पॉइंट इज़ हैल्थ। ठीक है, हुण हैल्थ का की इफेक्ट पैंदा वा क्वालिटी ते। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हुंदी है हैल्थ दे विच, बेसिक टर्म्स मैं थोनू पहला भी क्लीयर कीतियां होईयां ने। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर देखिए पहले मीनिंग क्या होंगे, नंबर ऑफ ईयरस
परसन कैन एक्सैप्ट टू लिव, ठीक है, यानी कि कोई भी इंसान आ किन्ने साल तक वो एवरेज एज है, ठीक है। मोरैलिटी रेट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस लैक्चर, ठीक है। तो यानी कि अ मेयर ऑफ नंबर ऑफ डैथ रेट डैथ्स पर 1000 पीपल, ठीक है, कि पर 1000 के किन्ने मीनस कि लोग मर रहे हैं। तो डैथ रेट के मैं थोड़ा दसिया वैदर दे आर यू नो मार रहे ने, चाहे वो नैचुरल डैथ हो रही है, चाहे विद एक्सीडेंट हो रही है ना, या फिर किसी बीमारी ना, तो सारा इनकलूड ही हुंदा वा। तो डैथ रेट 2011 दे विच 7.9% सी एंड ये पहला नालों भी डिकलाइन हो गया वा, ठीक है, ड्यू टू वेरियस फैसिलिटीज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एवरेज एज जिहड़ी हैगी है वह हुण वध के 60 to 65 ईयरस हो चुकी है, ठीक है। तो जिहड़ा इनफेंट मोरैलिटी रेट की हुंदा है, इनफेंट मतलब बच्चे, बच्चियां दी मरण दी भी डैथ जिहड़ी है घट गई। तुहानू पता ही है कि गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह दियां पॉलिसीज़ लियांदियां। फॉर एग्जाम्पल अगर आपां पंजाब की गल करिए, आई थिंक इट्स माई भागो स्कीम है, आई एम नॉट श्योर, इफ आई वुड बी रोंग तो आई वुड बी सॉरी फॉर दिस, बट माई भागो स्कीम है, उसके विच आई थिंक जड़ी लेडीज़ होंदियां वा, जड़ियाँ एक्सपैक्टेड लेडीज़ होंदियां ने प्रैगनेंट, ठीक है, उन्होंने मीनस कि फ्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के इलाज चलता वा टिल डिलीवरी तक, ठीक है। तो यानी कि वो की हों कि जड़ी लेडी है और जड़ा बच्चा वा उदी पूरी केयर होंगी है, वो जड़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनफेंट मोरैलिटी रेट है सॉरी ओ मीनस कि इनक्रीज़ हो जाता वा, ठीक है। तो क्योंकि कई लोगों जड़ी हैगी बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती हैगी है, ठीक है, दैट्स वाई जी डैथ रेट जरा इनफेंट मोरैलिटी रेट से काफ़ी ज़्यादा सेगा। तो गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स, ठीक है, नैशनल प्लस स्टेट लैवल से दो गवर्नमेंट्स जड़ियाँ इदा दैसिलिटीज़ कड़दियाँ रहा वा, ठीक है। होस्पिटल्स की मीनस कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है, आ नीचे थोड़ा डेटा दिता हुआ है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ का कि 1951 तो 2013 तक का दिता हुआ वा। पहला जेडे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जेडे 1951 च देखो ओनली 725 सीगे, तो 13 तक आंदे आंदे 181,319 हो गए, ठीक है। सिमिलरली डिस्पेंसरीज पहला 9,000 सी, फिर 19,000 हो गई। डॉक्टर्स पहला सिर्फ 61,000 होंदे सी कंट्री च, नाउ इट्स नियर अबाउट 9,00,000 एंड अबव, है ना। तो नर्स जड़ियाँ सी 18,000 सी, नाउ इट्स अबव 1,00,000, ठीक है। तो फिर दोबारा कहूँगी 2021 चा हुण आपां हुण होर भी ज़्यादा मीनस कि होस्पिटल्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीतियां जांदियां ने, ठीक है। तो ये हो गया साडा मीनस कि जिहड़ी हेल्थ दी इंपोर्टेंस की है ह्यूमन रिसोर्सिस डिवेलप करन दे विच। हुण ये मैं तुहानू एक होर एग्जाम्पल तो क्लीयर करना चाहूँगी कि क्यों गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी आ अपने लैवल ते कंट्री दी जड़े लोग ने ह्यूमन रिसोर्स ने उन्हों की हैल्थ में इंप्रूव करते हैं की बेनीफिट होगा, ठीक है। हुण देखो मान लो दो बंदे आ इको कंपनी दे विच काम कर रहे, एक बंदा बड़ा हैल्दी है, ठीक है, वो काम करन दे विच एक्टिव है, ठीक है। हुण अगर वो डेली बेसिस पर अपना काम कर रहा वा तो ओदे नाल की होएगा, एक्टिवनैस दे नाल काम कर रहा वा तो ओदे नाल जड़ी ओदी कंपनी वो ग्रो करेगी, ठीक है। हुण दूसरा बंदा सपोज करो वो बड़ा बीमार रह रहा वा, दूए दिन बाद वो छुट्टी लै रहा वा होस्पिटल्स दे विच डॉक्टर्स दे नाल मीटिंग करन दे लई, है ना। तो उहदे नाल की होया, उहदा जिहड़ा काम दा स्केल वो थले जा रहा वा, तो जिहड़ा उहदा काम हुण अगर घट है घट कर रहा हो काम, तो उहदा इंपैक्ट डायरैक्टली किहदे ते पैना वा, कंपनी दी परफॉर्मेंस ते, ठीक है। तो इस वजह दे नाल जिहड़ी गवर्नमेंट है वह हैल्थ फैसिलिटीज़ नूं इंपोर्टेंस दिंदी है। अगर पॉपुलेशन जिहड़ी हैगी है साडी उन्हां दी जिहड़ी क्वालिटी अच्छी होएगी, उन्हां दी हेल्थ अच्छी होएगी, तो अच्छे वे दे नाल काम कर सकणगे जिहदे नाल नेशन जिहड़ा साडा वो ग्रो करेगा। सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड द हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो नैक्सट आ जाओ, हुण होर कि चीज़ है जिहड़ी ह्यूमन रिसोर्सिस नूं प्रभावित करती है। नैक्सट आ गया अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोज़गारी। तो ह्यूमन रिसोर्सिस नूं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती, चाहे देखो आपां वैल एजुकेटड हो जाइए। हुण देखो गवर्नमेंट ने किन्ना कुछ किया होया है ना एजुकेशन नूं इंप्रूव करन दे लई, अपनी कंट्री दे विच फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे, वर्दियाँ ड्रैसेस तां कि बच्चे ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़न, ईवन तरह तरह दियां फैसिलिटीज़ दित्तियां जांदियां, लाइक थोड़ा NTSC दा एग्जाम हुंदा जिहड़ा बच्चा क्लीयर करदा उहदी PhD तक पढ़ाई मीनस कि फ्री हो जाएगी। अगर स्कॉलरशिप्स लगदियाँ, हुण मान लो कोई बच्चा इन्ना पढ़ लिख भी गया बट तुहानूं रोज़गार ही नहीं मिलिया, ठीक है, तो फिर उहदा एडवर्स इफेक्ट पैंदा हैगा वा ह्यूमन रिसोर्सिस ते जिहड़े लोग हुंदे ने, ठीक है। तो हुण सब तो पहलां आपां
अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग की हुंदा, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द करंट वेजिस बट कैन नॉट फाइंड वर्क। हुण अनएम्प्लॉयमेंट की है कि लोग जड़े हैगे ने वो काम तो करना चाहते ने पर जिन्हें चाहे जिन्हें भी वेजिस मिल रहे हैं, घट मिल रही है, सैलरी वध मिल रही है, दे आर रेडी टू वर्क पर फिर भी उन्होंने काम नहीं मिल रहा, उन्हों असी बेरोज़गारी कहांगे। अगर तुसी कहो कि कोई जड़े इंसान है हुण उन्हों काम मिल रहा पर वो खुद ही नहीं करना चाहता, बेला बहना चाहता, तो वह अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होएगा। ठीक है, ओदी अपनी इच्छा होएगी। अनएम्प्लॉयमेंट च बेरोज़गारी असी उही चीज़ा गिनिया ने, उही परसन गिने ने जड़े काम करना चाहते हैं पर उन्होंने काम नहीं मिल रहा। ठीक है, हुण इत्थे एक पॉइंट मैं ब्रैकेट्स दे विच रख्या स्पैशली स्टार्स दे नाल, तो इहदे विच की है कि अनएम्प्लॉयमेंट दे विच अनएम्प्लॉयड पीपल सिर्फ ओ होणगे लाइक जिहड़े काम करना चाहते। तुहानू दसते इन्हां दे विच असीं किहड़े बंदे नहीं इनकलूड करने, एक तो पेशेंट, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, दे आर सिक, दे आर अनएबल टू वर्क। ठीक है, तो पेशेंट्स नूं असीं कढ़ांगे, ओल्ड पीपल, ठीक है, ओल्ड बंदिआं नूं तां असीं अनएम्प्लॉयमेंट दे विच नहीं काउंट करांगे, बच्चे, ठीक है, हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, तो इन्हां नूं जदों असीं अनएम्प्लॉयमेंट दा मैजर करना है कंट्री दा तो असीं इन्हां नूं विचों एक्सकलूड करना है। हुण मैयर रे किद्दां करीदा वा असीं रेट, भी अनएम्प्लॉयमेंट दा रेट की है कंट्री दे विच, इहनूं किद्दां असीं मैजर करना वा, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स, यानी कि देश दे विच जिन्ने भी बेरोज़गार लोग ने उन्हां दे नंबर नूं डिवाइड कर दो जिहड़े देश च लोग रोज़गार वाले ने, उन्हां नाल डिवाइड कर दो तां रेट तुहानूं मिल जाएगा। ठीक है, सो नैक्सट आ जाओ।